7 तारीख हो गई है और वीरवार का दिन है और मैं 2 मार्च तीसरे महीने की 2 मार्च पहला राह का बुधवार याद होगा आपको, तब से लेकर के आज तक मैं आपको उस यात्रा में लेकर के चल रहा हूँ और रोज बरोज हम आगे बढ़ रहे हैं खुदा के दुखों की यात्रा, खुदा के स्मरण की यात्रा, खुदा के दुख उठाने की यात्रा में हम लोग चल रहे हैं। और आज 7 तारीख हो गई है, वीरवार है और 32वां रोजा है और पछतावे का आज 5वां दिन है। 2 दिन है और भी, शुक्रवार और शनिवार। पछतावे के दिन खत्म हो जाएंगे और उसके बाद होली वीक जो है, पवित्र सप्ताह जो है वो शुरू हो जाएगा और हम थोड़ी जल्दी से उस यात्रा में शरीक हो जाएंगे जो यरूशलम को जाती है। राजा आगे आगे होगा, हम उसके पीछे पीछे होंगे। हर एक बंदा जय जयकार के नारे लगाएगा, होशाना के नारे लगाएगा और हम अपने आप को उस यात्रा में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं आपको रोज प्रोत्साहित करता हूं कि आप खुदा के उन लोगों में शामिल हो जाएं, उस भीड़ में शामिल हो जाएं जो हैलेलुया 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 के नारे लगाती। वो एक शाही यात्रा है और उस यात्रा को सारा संसार देखेगा, सारे टीवी चैनल्स उस यात्रा को दिखाएंगे, सारे अखबार दिखाएंगे और सारे संसार में वो यात्रा जो है वो पाम संडे के नाम से जानी जाएगी। हम भी उस पाम संडे में, उस खजूरी इतवार में, खजूरों के इतवार में जाने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, अपने दिलों को तैयार करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। उसकी कुर्बानी की यात्रा, उसके उद्धार कर देने की यात्रा, उसके मुक्ति दे देने की यात्रा में हम लोग शरीक हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है हम बात करते हैं तो वो सिर से निकल जाती है, वो आंखों में नहीं आती, वो दिल में नहीं आती, जो घर दिल में घर नहीं करती हम उसके बारे में सोच नहीं पाते। मैं बड़े आसान लफ्जों में आप लोगों को खुदा का कलाम जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। उस यात्रा में क्या क्या होगा हम देखने जा रहे हैं, आज हम देखने जा रहे हैं कि क्या होगा, वो क्यों होगा, किस लिए होगा। तो आज पहली आयत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यीशु ने कहा, लिखा है कि मसीहा यरूशलम में जा करके दुख उठाएगा, उसके बारे में लिखा गया है, शाही कलाम में लिखा गया है। इस यात्रा का मेन जो टारगेट है वो यही है कि वो दुख उठाएगा, वो मारा जाएगा, वो कब्र में डाला जाएगा, वो पापियों के संग गिना जाएगा, वो गुनाहगारों के संग गिना जाएगा और तीसरे दिन वो मौत पर फतह पा करके जिंदा हो जाएगा। यही एक कंस्ट्रक्टिव जो शब्द हैं वो यही हैं कि वो तीसरे दिन आप लोगों को एक आखिरी मौजदा दिखाने जा रहा है कि वो मौत पर भी फतेह पा सकता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है कि कोई इंसान, कोई नबी, कोई पीर, कोई पैगंबर मर्दों से जी उठा। आज हम उस यात्रा में हैं, वो नज़ारा देखने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को और हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 2 दिनों के बाद वो नज़ारा आपके सामने आ जाएगा और हम उस यात्रा में पढ़ेंगे, आगे आगे होंगे, खजूरों की चालियां होंगी, होशाना 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 के नारे लगाएंगे, आसमान के फरिश्ते नारे लगाएंगे, खुदा के लोग नारे लगाएंगे, आसमान में रहने वाले लोग नारा लगाएंगे, जमीन पर रहने वाले लोग नारा लगाएंगे, जमीन के नीचे रहने वाले लोग
ही होशाना का नारा लगाएंगे। आने वाले दिनों में ऐसा होगा, अपने आप को तैयार कर लीजिए, आप ऐसी बादशाही, ऐसा नजारा, ऐसा एपिसोड देखने जा रहे हैं। दिल से, ईमान से उसे कबूल करें। लुका 24 की 46 है, पढ़ेंगे जरा अगर मिल गया। लिखा है कि मसीहा दुख उठाएगा, सलीब पर चढ़ाया जाएगा, वो मारा जाएगा, वो कब्र में रख दिया जाएगा और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठेगा। ऐसा इसलिए होगा और यरूशलेम से लेकर के सारे संसार में, सारे लोगों में, सारी जातियों में मन फिराव और पश्चाताप और पापों की माफी का प्रचार उसी मसीहा के नाम से किया जाएगा। नन अदर्स, किसी और नाम से नहीं होगा, सिर्फ मसीहा के नाम से होगा। मिल गया जी, पढ़िए। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। 47 पढ़ दीजिए। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। आज पापों की माफी का प्रचार सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम से होगा, उसी के नाम से किया जाएगा। आज एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज तक किसी भी खुदा के बंदे ने, किसी भी पीर ने, किसी पैगंबर ने, किसी देवता ने किसी को यह नहीं कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हो गए। आंखें ठीक हो सकती हैं, लंगड़े चल सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं, लेकिन एक सबसे एक सुप्रीम चीज है कि किसी के पास कोई हक नहीं है कि वो आपसे कह दे आपके गुनाह माफ होते हैं। एक मसीहा है जो ये कह सकता है कि जा बच्चे तेरे गुनाह माफ होते हैं। ये कैसी शख्सियत है, तेरा उद्धार हो गया है, तू बचा लिया गया है। ऐसी हस्ती कोई नहीं है, ना पैदा हुआ है और ना ही होगा जो ये कह सके। ऐसा ये कौन सी शख्सियत है जो कहती है मुझे अख्तियार दिया गया, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर सकता हूं, तेरे गुनाह माफ होते हैं। सबसे बड़ा काम जो इस दुनिया में आकर के उसने किया, आप लोगों को मुझे गुनाहों से नजात बख्शी है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मन फिराव और पश्चाताप और गुनाहों से माफी का प्रचार मसीहा के नाम से होगा, बस। और कोई नाम इस संसार में नहीं दिया गया है, याद रख लीजिए, गुनाहों की माफी सिर्फ उसी नाम से। मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम कहता, इसलिए वो आपको बच्चों की तरह कहता है, हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, इसीलिए तुम्हें लिखता हूं, इसीलिए खुदा का कलाम जो है वो लिखा गया है, इसीलिए मैं खुदा का कलाम आपको सुनाता हूं। और क्या कलाम सुना रहा हूं कि तुम्हारे गुनाह मसीहा के नाम से माफ हो गए हैं, तुम बचा लिए गए हो, तुम्हारा उद्धार हो गया है, क्योंकि मसीहा का नाम, उसके नाम का कवच जो है अब आपके चारों तरफ आया हुआ है। मसीहा नाम का हाथ जो है वो आपके सरों पर है, आप बचा लिए गए हो, आप बचाए हुए लोग हो। आज आप रोज जब आते हो यहां पर, रोज अपनी सेवाएं खुदा के नाम से देते हो, खुदा ने आज आपको बख्श दिया, खुदा ने आज आपको आपके सब गलतियों से, सब गुनाहों से माफ कर दिया है। पहला यूहन्ना निकालेंगे पत्रियों में से, उसका 2 बाप है, उसकी 12वीं ध्यान करती है, कहे मेरे बच्चों, ओ मेरे बालको, माई चिल्ड्रन, माई सन, माई डॉटर, मैं तुम्हें इसलिए कलाम सुनाता हूं, मैं इसलिए लिखता हूं
तुम्हारे गुनाह माफ हो गए। पढ़िए जी, मिल गया दो की बारह, जल्दी से पढ़ेंगे तेजी से। हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आपकी गलतियाँ अब याद नहीं आएगी, आपकी गलतियों को स्मरण नहीं किया जाएगा। सारी बातें नई हो गई हैं। अब आप एक नई सृष्टि हैं, अब आप एक नई कहानी हैं, आप नए बच्चे हैं। आपके गुनाह माफ हो गए हैं, आप बचा लिए गए हैं। ऐसा कलाम सुन करके लोगों के दिल छलनी हो गए। हम क्या करें, खुदा का कलाम बरस रहा है, खुदा की बातें हो रही हैं, हम क्या करें। ऐ मेरे भाइयों, मैं क्या करूं, खुदा के कलाम ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया है, मैं बचा लिया गया हूं। हे बालको, खुदा के कलाम पर ध्यान दो। प्रेरितों के काम 2:37, जवाब मिला। हम क्या करें है भाइयों, हम क्या करें, जवाब मिला, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, अपने गुनाहों को माफ कर लो, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, इससे बिना नहीं पा सकते। कहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा मिला, नहीं 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 नहीं, गलत है। जब तक आप अपने दिल से, ईमान से अपने आप को खुदा के सामने पश्चाताप नहीं करते, अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगते, पवित्र आत्मा आपके पास नहीं आएगा। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, कलाम सुनने वालों के दिल छिद गए। यहाँ तो असर ही नहीं होता है। वो खुदा का कलाम लिख रहा है कि खुदा का कलाम सुनने वालों के दिल छलनी हो गए और पुकारने लगे। क्या पुकारा जी? और वे पतरस और शेर पेतरस से पूछने लगे, ऐ भाइयों, हम क्या करें? हम क्या करें है भाइयों, ऐ बहनों, हम क्या करें है बच्चों, हम क्या करें? 38वीं आयत में जवाब लिखा हुआ है। जवाब ये है, मन फिराओ, अपने आप को बदलो, पश्चाताप करो, अपने गुनाहों की माफी मांग लो, तब तुम सब पवित्र आत्मा का दान। आखिरी आयत जो लिखी हुई है पढ़िए, 38 की आखिरी लाइन। और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। मैंने कहा आखिरी लाइन पढ़ दीजिए, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, नहीं तो नहीं पाओगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह, आपके साथ खुदा भी होगा, मसीहा भी होगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपके पास तब आएगा जब आप अपने गुनाहों की माफी मांगोगे। तब पवित्र आत्मा का दान जमीन के इस कोने से लेकर के उस कोने तक सबको मिल जाएगा। यशाया 49 नोट करें, मैं पढ़ूंगा नहीं। तब पवित्र आत्मा का दान जमीन के किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक फैल जाएगा। तुम ज्योति पा जाओगे, खुदा की सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह हो जाओगे, दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन जाओगे। खुदा तुम्हें ऊंचा करेगा, ऊंची चीजों पर बिठा देगा, ऊंचे सिंहासनों पर बिठा देगा और आपको श्रोमणी सबसे ऊंचा कर देगा। ये खुदा का कलाम है, खुदा की बातें। मैं ए मेरे बच्चों, मैं इसीलिए तुम्हें खुदा का कलाम सुनाता हूँ, मैं इसीलिए खुदा का कलाम लिखता हूँ, मैं इसीलिए रोज सुबह आपके पास आता हूँ। आप भी रोज आते हैं, इस टेबली पर खड़े होते हैं, ताकि आपका यहाँ खड़ा होना जो है वो खुदा की नजरों में ग्रहण योग्य हो जाए। खुदा का कलाम सुनने से नहीं, उस पर चलने से आप उछाड़ पा जाएंगे। यहां से सुनिए, जैसे ही अपने आप को चलाने की कोशिश करें। खुदा का कलाम कहता है कि सच बोलिए तो सच बोल जाए। खुदा का कलाम कहता है कि अच्छे काम करो, भलाई करो, अच्छे काम करो, भलाई में लगे रहो। जमीन के दूर दूर के देशों के लोग
तुम्हें याद करेंगे, दूर दूर के लोग तुम्हें याद करेंगे, तेरे तेरी तरफ फिरेंगे और जात जात के कुल तुझे सिजदा करेंगे। आखिरी आयत में जबूरों की पोथी उसका 22वां अध्याय उसकी 27 आयत ध्यान कर रही है, वहां पर देखिए क्या लिखा है। जमीन के दूर दूर देश के लोग तुझे याद करेंगे, तेरी ओर फिरेंगे और जात जात के लोगों के कुल तुझे सिजदा करेंगे, क्योंकि तू उद्धार करता है, तू मुक्ति दाता है। अपने आप को तैयार करें, पढ़ दीजिए अगर मिल गया। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे, मसीहा को स्मरण करेंगे, खुदा के बेटे को स्मरण करेंगे। उसी के नाम से बचाव होगा, उसी के नाम से उद्धार होगा, उसी के नाम से मुक्ति मिलेगी, उसी के नाम से आपको अच्छी जिंदगी मिलेगी, उसी के नाम से आप ऊंचाइयों पर होंगे, उसी के नाम से आपको बरकतें मिलने वाली हैं, उसी के नाम से आपको आशीष मिलने वाली है। पूरा कीजिए। और उसकी ओर फिरेंगे और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करें। जाति जाति का हर एक कुल, हर एक बशर, हर एक परिवार, हर एक जन तुझे सिजदा करेगा। आओ हम भी सिजदा करें, आओ हम भी सब मिलकर के खुदा की आराधना करें, खुदा से दुआ मांगे कि आज का कलाम 100 गुना फल लाए, आज का कलाम आपकी जिंदगी में काम करे और आप अपने आप को, अपने दिलों को, अपने मनों को तैयार करें कि उस शाही यात्रा में जो आने वाली है उसमें शरीक हो जाएं, दूसरे लोगों को भी शरीक करें, मरीजों को जल्दी से चंगा करें ताकि वो भी उस यात्रा में शरीक हों, ताकि वो भी खुदा का नाम लें, ताकि वो भी उस शाही यात्रा का आनंद लें। खुदा आपको बरकत दे। अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखें बंद करें।